आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप जिस देश में हैं अब उस देश के बन कर रही है। अरे बोले तुझको तो टीवी है। बोले मुझे कहाँ टीवी है। बोले है तुझको। हमारे देश के लोग हिंदुस्तान के नेताओं की धोती फाड़ डालते अगर आज पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही होती। जितने विकसित मुल्क हैं ये सब चाहते हैं गरीब मुल्क आपस में लड़ते रहे। रफेल आया होली खेलेंगे हम उसकी छत पे बैठ के। पाकिस्तान को तो पश्चिम के लोगों ने पैदा किया। जिन्ना ने थोड़ी पैदा किया सर। जिन्ना तो बदनाम हुआ बेचारा। मोहम्मद अली जिन्ना बदनाम हुआ बेचारा। उसको जब पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था रहमत अली, वो लंदन की सड़कों पे भीख मांग के मरा। सर पता कर लीजिएगा सर, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं सर। जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान टर्म को क्वाइन किया था रहमत अली, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, लंदन की सड़कों पे भीख मांग के भीख। मोहम्मद अली जिन्ना को जब पता चला, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब को यह था कि हम पाकिस्तान को एक एडवांस नेशन बनाएंगे। बड़ा अच्छा विजन था, पढ़े लिखे आदमी थे वो, तो चलो ठीक है। एक उन्होंने बनाया अपनी कंट्री अलग, पाकिस्तान बनाई तो चलो ठीक है। उन्होंने आज पाकिस्तान को अलग बनाने के बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी अपील भी की, बड़ी मजेदार, बड़ी हंसने वाली। उन्होंने कहा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप जिस देश में हैं अब उस देश के बन कर रही है। अरे चाचा आप कैसे हो सकता है जब तुमने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन रहा है। लेकिन चलो ठीक है, तुमने बना लिया ना। मार्शल प्लान के तहत पैसा मिला इनको ब्रिटेन से, अमेरिका से। जिन्ना ने कहा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो जिन गब्बर ने पाकिस्तान बनाया था, उस गब्बर ने कहा डेवलपमेंट मतलब इसको। जिन्ना ने कहा मैं वापस जा रहा हूं हिंदुस्तान, मैं गांधी से माफी मांगूंगा, मैं पार्टीशन रद्द करा दूंगा। अरे बोले तुझको तो टीवी है। बोले मुझे कहां टीवी है। बोले है तुझको ट्यूबरक्लोसिस, एक्यूट ट्यूबरक्लोसिस है। सर किसी को टीवी हो, अगल बगल वाले को पता ही ना हो। कैंसर नहीं छुप सकता, टीबी नहीं छुप सकती, कुछ बीमारियां वो छुप ही नहीं सकती सर। वो बंदा देखे कहे बहुत दुबले होते जा रहे हो भैया। सबसे बड़ी बात इन बीमारियों की है कि आदमी का वेट लॉस करा देती है। कह रहे नहीं जिन्ना को पता था कि टीबी है, किसी को बताया नहीं था। अरे वो खांसता रहा होगा, उसको खून की उल्टी आती रही, किसी को पता नहीं चला। कहा जी उसने टीबी, इसको टीबी है, टीबी लगाओ, इसको इंजेक्शन लगाओ, लगा दी, बेचारा मर गया। पाकिस्तान मुल्क थोड़ी है सर, इसराइल मुल्क थोड़ी है, ये तो स्पॉन्सर्ड स्टेट्स हैं। गब्बर इनका इस्तेमाल करता है मजबूती से। अ डेवलप्ड पाकिस्तान वुड हैव बीन अ बून फॉर इंडिया। चलो बंटवारा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान डेवलप्ड हो गया होता सर, हमारे नेताओं को बहाना ही नहीं मिलता पाकिस्तान को हर बात को दोष देने का। ये हमारे देश के लोग हिंदुस्तान के नेताओं की धोती फाड़ डालते अगर आज पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन चल रही होती, अगर आज पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज्ड होता, अगर आज जैसे आज बांग्लादेश देखो, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई बांग्लादेश की हिंदुस्तान से। ओ छोटा सा बंगाली मुल्क दोनों को दिखा रहा है कि तुम लड़ो, तुम लोग लड़ो, हाँ पाकिस्तान इंडिया, तुम लोग बहुत गंदा विवाद चल रहा, तुम लोग निपट लो। वो छोटा सा बांग्लादेश उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है सर। ये नंगे हमारे पड़ोसी, हमारे नेताओं को बहाना मिला पाकिस्तान ने क्या, वी आर टू हैंडल पाकिस्तान। ये हमें जिंदगी भर बहला रहे थे पाकिस्तान खतरा है, पाकिस्तान खतरा तो चाइना था सर। और वहां के लोगों ने जब शिक्षा मांगा, रोजगार मांगा, तो उन्होंने कहा यह काफिर लैंड हिंदुस्तान, यहां वैसी साहब रहते हैं, यह काफिरों का देश है। क्योंकि जब तक ये गरीब मुल्क लड़ेंगे नहीं, इनका हथियार कौन खरीद, हथियार बनाएगा कौन? डेवलप्ड मुल्क, स्वीडन जैसा मुल्क हमें हथियार बेचता है सर। हम बड़ा खुश थे, रफेल आया होली खेलेंगे हम उसकी छत पे बैठ के, रफेल आया है उससे बैठ के चंद्रमा देखेंगे, ईद मनाएंगे। सर हमारा ही तो पैसा जा रहा है सर। वो फटी लुंगी पहना हुआ उधर का मुसलमान,
और इधर धोती गायब है, और ये कह दो तो दोनों को बुरा लगता है, एंटी नेशनल एंटी नेशनल, मुसलमान पैसा भेजते हैं इसको। भाई हमको तो भेजते ही हैं पैसा, तुम भी मंगा लो। जितने विकसित मुल्क हैं ये सब चाहते हैं गरीब मुल्क आपस में लड़ते रहें, क्यों? इनको हथियार बेचना है, और सबसे ज्यादा कमीशन हथियारों में है। दो भिकमंगे अपने जनता की खून पसीने की कमाई सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदते हैं, और उसमें कमीशन खाकर लंबॉर्गनी पे चलते हैं।